हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब काफ़ी कम समय बचा है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को, और आपको पता होना चाहिए कि 3 जून को जब आप एग्जाम देके आएंगे तो उस टाइम आपको कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होगी, जो हर जगह अपना कट ऑफ मार्क्स के विषय में पता कर रहे होंगे, या फिर जो जगह जगह से तरह तरह से नए नए डिफरेंट सोर्स से अपना आंसर की चेक कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे में ही बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, जिनको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा उस दिन, और उनको ये एहसास होगा कि पूरा का पूरा साल का उनका मेहनत जो है चंद घंटों में निकल गया और कुछ भी उनके हाथ में नहीं आ पाया। हर साल ऐसा ही होता है, हर साल की यही कहानी है, यही फितरत है। आप इस चीज़ को आंख खोल के अभी से सुन लें कि जो यूपीएससी का एक प्रोसेस है, ये इतना लंबा प्रोसेस होता है, इतना एक साल का ये कठिन प्रोसेस होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर रहता है। बेशक आप अपना फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट भी क्यों ना दे रहे हों, प्रेशर जो है समान रूप से होता है। यहाँ पे कोई भी ये नहीं कह सकता है कि वो बहुत ही पुराना खिलाड़ी है और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट वो रहेगा, क्योंकि दबाव समय के साथ और बढ़ता जाएगा। हो सकता है जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हों उन पर ही दबाव बहुत कम हो, और जो बाद का अटैम्प्ट जिनका है उन पर ही दबाव कुछ ज़्यादा हो। तो इस वजह से आप लोगों को आज से ही इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से आप अपने आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से आपको चलना चाहिए कि कम से कम एग्ज़ाम के दिन आप अपने आप को कंफर्ट जोन में पाएं। सबसे बड़ी बात है कि एक साल का मान लेते हैं लंबा प्रोसेस है, इस एक साल के प्रोसेस में आप जो भी आज तैयारी करेंगे वही तैयारी उस 2 घंटे में आपका दिखेगा, और 2 घंटे के बाद पूरा एक साल का जितना भी आप एफर्ट लगाए हैं, जितनी भी मेहनत किए हैं या लापरवाही किए हैं, आलस्य किए हैं, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा कचोटेगा ये सब सारी बातें। तो बेहतर यही हो कि अभी से आपके पास उतना समय बचा हुआ है कि आने वाला जो 5 महीने बाद का जो वो दिन है उस दिन आप काफ़ी खुश रह सकते हैं और मेंस के लिए नए सिरे से तैयारी कर सकते हैं। दरअसल कोई भी जो एग्ज़ाम ही है या कोई भी चीज़ है वो उस प्रोसेस का सबसे आखिरी हिस्सा होता है। आप एग्ज़ाम जो आपको 3 जून का जो दिन है वो आपके इस प्रिपरेशन के प्रोसेस का सबसे अंतिम पड़ाव है। आपके तैयारी पे ये डिपेंड करता है कि आप इस प्रोसेस में जिस तरीके से काम करेंगे उस दिन आपका रिजल्ट उसी तरह का दिखेगा। और रिजल्ट तो बहुत बाद में आता है, आप तो उसी दिन आपको पता चल जाएगा जब आप एग्जाम देके आएंगे और कट ऑफ चेक करेंगे, मतलब आंसर की से अपने आंसर को मैच करेंगे, तो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या स्थिति है, और फिर एक साल आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो सोचिए कि कितना लंबा प्रोसेस है। कोई बैंक वगैरह रहता है तो आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, या फिर कुछ प्राइवेट जॉब अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेगी, लेकिन इस फील्ड में अगर आप एक बार आए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक साल में, और उसकी भी एक सीमा है। यदि आप लगातार उस अपॉर्चुनिटीज़ को गंवाते चले गए तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और आप फिर रोड पे आ जाएंगे और कुछ भी आपके हाथ नहीं लग पाएगा, और पूरी ज़िंदगी जो है आप अपना इस दुख के साथ बिताएंगे कि काश उस टाइम कुछ कर लिए होते ताकि आज अच्छी ज़िंदगी होगी। लेकिन ऐसा कुछ अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी से जितना भी समय आपके पास है, मैं पूरा इस बात को महसूस करता हूँ कि अभी से जितना भी समय है उसमें कम से कम प्रीलिम्स बहुत आराम से निकाला जा सकता है। अभी से आप लगातार एफर्ट शुरू कर दीजिए, और ख़ास करके जो प्रीलिम्स के लिए जितनी भी सारी चीज़ें मैं इससे पहले के वीडियोस में बताया हूँ, आप सुनते नहीं हैं वीडियोस को ध्यान से, इसीलिए कई सारे ऐसे सवाल आ जाते हैं जो उसमें मैं बहुत अच्छे से बताया रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि आपको मैं एकदम स्पष्ट करके बाहर से लिख दूँ कि ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियोज़ में बताया हूँ। आप रेगुलर मेरे टच में हैं तो आपको आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियोज़ को भी सुनें जो आप नहीं सुने हैं,
ताकि आपको कुछ नई बातें मिल जाए। दो चार पाँच मिनट में बहुत कुछ नहीं हो जाता है, और अगर वो आपके प्रीलिम्स में या फिर यूपीएससी में हेल्प कर देता है तो आपके लिए ये बड़ी उपलब्धि एक तरह से है, क्योंकि दूसरे के गलतियों से अगर आप सीख लेते हैं तो आप खुद गलती करने से बच जाएंगे और आप उन एफर्ट्स को अपने रिजल्ट में शो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दूसरे की गलतियों से सबक नहीं सीखते हैं और खुद भी वही गलती करने के प्रोसेस में आ जाते हैं और बार बार गलती करके सीखते हैं, तो वो एक तरह से आपकी नकारात्मक ये टेंडेंसी हुई। दूसरों से सीखिए। मेरे पास 1000 लोगों का अनुभव है, हजारों आदमी, हजारों एस्पिरेंट, हजारों स्टूडेंट हमेशा मेरे टच में रहता है। उनकी गलतियों को मैं खुद अपने अंदर से महसूस करता हूँ और वो आपसे शेयर करता हूँ, तो आपको उन गलतियों से को दोहराने से बचना चाहिए। तो निष्कर्षता मैं यही आपको बता रहा हूँ कि अभी जितना भी समय है ये या तो आपको सुख दिला सकता है 5 महीने बाद, या फिर आपको रुला सकता है और पूरा 1 साल आपको फिर से नए सिरे से काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। क्योंकि अगर आप 3 जून को फिर एग्जाम देंगे तो फिर अगले साल जून में आप प्रीलिम्स दे पाएंगे, और सिर्फ 1 साल का प्रोसेस कहाँ है मेरे भाई, ये प्रोसेस तो 2 साल का है, क्योंकि आप प्रीलिम्स देने के लिए अभी जूझ रहे हैं। जब इसके बाद प्रीलिम्स आप देंगे तो उसके महीनों बाद मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो ये प्रोसेस अगर अभी आप चूक जाते हैं तो 2 साल तक आप इंतज़ार आपको करना होगा, वो भी तब जब आप रेगुलर कम्पीट करते चले जाएं, प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, तो और फिर बीच में अगर कहीं लटके तो फिर से 1-2 साल का और चक्कर। मतलब ये कि यूपीएससी है ही ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, और लंबे इंतज़ार के बाद एक अवसर आपके पास आता है, और उस अवसर को अगर आप हाथ से जाने दे देते हैं तो फिर इसको बहुत ज़्यादा क्या कहा जाए, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि इस तरह की स्थिति आती है बच्चों के साथ। तो अपने हाथ से, आपके हाथ में जो अवसर है उसको इस तरह से गंवाएं नहीं। आप कहीं भी हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप किसी भी जगह पर हैं, आप गाँव में हैं, कस्बे में हैं, छोटे शहर में हैं, या मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, या किसी भी जगह पे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि आपको सही गाइड करने वाला कोई मिल जाए, जैसे कि मैं आपके रेगुलर आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो आपको ये एहसास होता रहता है, कम से कम हो रहा होगा कि कोई है जो हमेशा आपसे बातचीत कर रहा है। ये एहसास बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आपको ये लगे कि बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है जो आपसे बात कर सके, जो आपको यूपीएससी के विषय में कुछ बता सके या कुछ भी, ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है यही पॉलिटिक्स तो है। हम लोग राहुल गांधी के विषय में बात करते रहते हैं, नरेंद्र मोदी की बात करते रहते हैं, या हर नेताओं की बात करते हैं, जबकि वो मेरे से बात नहीं करता है, तो हम लोग उसकी बात कर करके ही खुश रहते हैं और एक एहसास होता रहता है कि हम लोग इस दुनिया में हैं, हम लोगों का एग्जिस्टेंस है। तो उसी तरह से यदि मैं आपको कुछ भी बताता हूँ तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आपको ये फील आना चाहिए, आपको ये अनुभव होना चाहिए, अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि आप हमेशा यूपीएससी के टच में हैं, उस एनवायरनमेंट में हैं जहाँ हर कोई यूपीएससी की ही बात कर रहा है, हर कोई इसी से संबंधित चीज़ों से परेशान है या फिर एफर्ट लगा रहा है। तो निष्कर्षता मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप यूपीएससी के टच में रहें, यूपीएससी के को अगर आप अपना फील्ड चुने हैं तो एकदम समर्पण के साथ, समर्पित होकर इस चीज़ों इसके लिए एफर्ट लगाएं, तैयारी करें, और हार मानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी हार ना माने। जो 3rd अटैम्प्ट 4th अटैम्प्ट भी अपना गवा चुके हैं, 5th अटैम्प्ट भी गवा चुके हैं, उन लोगों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में अगर कोई ये बोलता है कि मैं आया और चुटकी में सेलेक्ट होके चला गया, तो या तो वो बहुत ही नाम मात्र का एक्सेप्शन है, नाम मात्र का, यानी कि वो इक्का दुक्का हर साल ऐसा हो जाता है एकाध जो कि आया और तुरंत उसका सिलेक्शन हो गया बिना पढ़े, जैसा कि कई लोग दावा कर देता है। लेकिन हर किसी को टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे मुखर्जी नगर में जिसको मैं 5 साल पहले देखा था, 8 साल पहले देखा था, आज उसी तरह से बैग पीठ पे टांगे हुए, मंडराते हुए वो भटकते हुए मिल जाता है। तो इसमें उस पर हंसने की जरूरत नहीं है कि वो 8 साल पहले भी था, 8 साल आज भी है। ये प्रोसेस ही इतना लंबा है कि आदमी हमेशा प्रयास करते रहता है। आप प्रयास करते रहें, कभी न कभी सफलता मिल जाएगी। गनीमत इसी चीज़ की है कि कम से कम आपको फाइनली सफलता मिल जाती है।
अगर आप इतना भटकने के बाद भी, इतना समय गंवाने के बाद भी अंतिम रूप से सेलेक्ट हो जाते हैं, तो यही बहुत बड़ी गनीमत की बात है। तो इस वजह से आप दूसरों से सीखें। दूसरे बच्चे जो लगातार एफर्ट कर रहे हैं, लगातार असफल हो रहे हैं, फिर भी प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे सीखने की ज़रूरत है कि आप खुद प्रयास करते रहें, चाहे आप जहाँ भी हैं। मान लेते हैं बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको शादी का प्रेशर रहता है, उनकी शादी भी हो जाती है, तो शादी हो जाने के बाद क्या लाइफ ख़त्म हो जाता है क्या? आप शादी कर लें लेकिन शादी के बाद भी अपना प्रयास जारी रखें, जब तक आपका एज है, जब तक आपका अटेम्प्ट बचा हुआ है, लगातार प्रयास करें। और मैं पूरी तरह से इस बात को मानता हूं कि यदि कोई लगातार प्रयास करते रहे सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में, और हर चीज़ों को उसी तरह से पढ़े जैसा यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है, तो कोई वजह नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस ज़रूरत है लगे रहने की। यहाँ तो एक साल, दो साल, तीन साल कोई अपना एक टारगेट सेट कर लेता है कि मेरे को एक साल तैयारी करनी है, उसी में तरह तरह का सपना देख लेता है। पता चला नहीं हो पाया उस साल, फिर एक ट्राई कर दिया, यानी कि वो ट्राई कर ही रहा है दूसरे के लिए, मतलब अपना सपना जो एक गढ़ा। यहाँ पे सपनों से ये दुनिया नहीं चल रही। यदि आप सिर्फ सपना देख रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। ये यूपीएससी ऐसा चीज़ है जिसके लिए, जो शॉर्टकट वाला जो बच्चा है उसके लिए ये है ही नहीं, उसके लिए कोई दूसरा जॉब है। जैसे कि आप बैंक एसएससी वगैरह कर रहे हैं क्योंकि वो लगातार आ रहा है, आप में एक एनर्जी मेंटेन आपको करके रखनी है, तुरंत तुरंत हर चीज़ हो रहा है। यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य, धैर्य से चुपचाप बैठे रहिए, प्रयास करते रहिए। इस साल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगले साल के लिए फिर ट्राई करते रहिए। हाँ, अब जिसके पास मान लेते हैं रिसोर्स नहीं है या जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ ख़राब है, तो उनको फिर कुछ ना कुछ एक विकल्प तलाश लेना चाहिए। अगर आपके पास विकल्प मिल जाता है तो फिर वही प्रोसेस, आपको लगातार धैर्य रखना होगा। यहाँ पे चटपट वाला कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए। और जो इस तरह से करता है उनका तो कभी नहीं होता है सिलेक्शन, उनका होगा भी नहीं कभी, क्योंकि वो आए और उनका सपना एक ही बार में चूर चूर हो गया। जैसे सपना चूर चूर हुआ, उनका दिल बैठ गया, वो इस फील्ड से निकल गए। तो ऐसे बच्चे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका ना वो इस फील्ड के लिए बने हैं, ना इस फील्ड, ये फील्ड उन लोगों के लिए बना है। यहाँ पे आपको धैर्य से काम लेना है, पड़े रहना है अपने कमरे में चुपचाप, और अपना काम बस करते रहना है। क्योंकि रूम में बैठ के अगर आप इधर उधर कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और तरह तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर तब कोई फ़ायदा नहीं है। आपको काम करते जाना है। अगर बड़ा सा पत्थर है तो उस पर हथौड़ा मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए। बहुत तेज हथौड़ा मारिएगा तो थक के आप खुद गिर जाइएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ही चोट करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा जो वो अंदर से इतना कमज़ोर हो जाएगा कि इतना भंगुर हो जाएगा कि अपने आप वो टूट के बिखर जाएगा। तो वही चीज़ यूपीएससी है, आपको सिर्फ अपना धीरे धीरे एफर्ट लगाते रहिए, धीरे धीरे अपना काम करते चलिए। एक समय ऐसा आएगा, एक मैच्योरिटी ऐसी पीरियड आ जाएगी कि आप निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है हर किसी के साथ, आप कोई यूनिक नहीं है। इरिटेशन आपको भी होगा, इरिटेशन हर किसी को होता है, हर कोई बोर होता है, हर कोई इस उब जाता है इन चीज़ों से। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि हर चीज़ मन करता है कि त्याग के साइड कर दूं और चुपचाप अपना कोई दूसरा धंधा सोच लूं। तो फिर अगर आप ऐसा खुद करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा और फाइनली यूपीएससी नहीं आपके लिए बन पाएगा, फिर आप नहीं यूपीएससी के लिए फिर यूपीएससी को क्रैक कर पाएंगे। चुपचाप आराम से प्रयास करते रहे, अभी 5 महीने हैं, अभी अब आराम से काम करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप स्पीड से काम करने की ज़रूरत है। अगर स्पीड से आप काम करते हैं तो फिर आपका मेंस के लिए आपको एफर्ट लगाना है, फिर इंटरव्यू के लिए, तो भी बहुत कम समय बचा हुआ है, आपको बस काम करते जाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। जो सब मैं बुक का रिसोर्स आपको बताया हूँ, उस बुक को आप तेज गति से पढ़ें और ख़त्म करें जल्दी से जल्दी। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।